एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं वहीं पर हूं जहां पर अक्सर होता हूं, फ्लोर में। सो अभी मैं जा रहा हूं एक अपने एक मित्र के पास, फ्लोर से ही, यहां से मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर दूर उसका गांव है। अभी अंदाज़ा है मुझे कि 10-1 किलोमीटर होगा या 7-8 किलोमीटर होगा। अभी मैं जा रहा हूं संदीप के पास। संदीप मेरा मित्र है। सो देखते हैं संदीप के पास जाकर हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। संदीप के पास जा रहा हूँ, थम्बनवाल विलेज है। फ्लोर से मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, 7-8 किलोमीटर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर दूर यहाँ से होगा। हुआ ये कि मैं ना घर से निकला था अपना एक्शन कैमरा लेके, पर इसका जो SD कार्ड है वो लाना मैं भूल गया। SD कार्ड मैंने निकाल के रखा था क्योंकि एडिटिंग वगैरह कर रहा था उससे, वीडियोस वगैरह की। सो वो निकाल के मैंने घर पे रखा था। आते वक्त मैंने ये कैमरा तो चार्ज कर लिया पर उसका SD कार्ड लाना साथ में भूल गया। तो मजबूरी से मुझे अभी यहाँ से फ्लोर से एक SD कार्ड ख़रीदना पड़ा। वाद्दू के खर्चे हो गए, कहने का मतलब है। तो वापस तो जा नहीं सकता था तो इसलिए मुझे यहाँ पर खर्चा करना पड़ा वाद्दू का। सो अभी वो खर्चा करके यहाँ से लौटा हूँ। तो अभी हम थम्बनवाल की तरफ जा रहे हैं। ये थम्बनवाल का रास्ता है, तलवन रोड है ये, फ्लोर से तलवन की तरफ जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की, इतनी हल्की कि शायद कैमरे में नज़र भी नहीं आ रही होगी। जब मैं लुधियाना से चला था तो वहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो रही थी, मतलब फिर भी मैं चल दिया। मुझे पता था कि ज़्यादा बरसने वाले बादल तो लग नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कि बारिश नहीं होगी। तो फ्लोर तक मैं पहुंच गया यहाँ से, लुधियाना से फ्लोर तक, तो बारिश नहीं हुई। अभी फ्लोर से यहाँ जा रहा हूँ मैं तलवन की तरफ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मतलब मैं भीगूंगा नहीं, इतनी ज़्यादा कम बारिश हो रही है। अभी यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है, पीछे बारिश थी, अभी यहाँ पर बिल्कुल बंद है। पहले एक बार चेक तो कर लूँ यार, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि ऐसे ही मैं करी जा रहा हूँ। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। अभी फ़र्क ये है कि पिछली जितनी भी एक दो वीडियोस, तीन वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई हैं, वो वीडियोस मैंने 720 फ्रेम पर सेकंड की रेशो पे बनाई है। अभी ये वाली 1080 की रेशो पे बना रहा हूँ, रिज़ल्ट देखने के लिए कि 1080 की रेशो पे किस तरह का रिज़ल्ट इस कैमरे का आता है। ये बता दूं कि ये SJ कैम वाईफाई कैमरा है, SJ कैम वाईफाई कैमरा 4000, SJ कैम वाईफाई 4000 ये कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पिछली बार की जो वीडियोस मैंने बनाई है उस पर ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि इस कैमरे पे चलाते हुए अगर मैं, क्योंकि इसका कोई एक्सटर्नल माइक है नहीं है तो इंटरनल माइक से ही सारी रिकॉर्डिंग होती है। अभी मोटर ब्लॉगिंग करते हुए अगर मैं स्लो बोलूँगा, यानी कि धीमी आवाज़ में बोलूँगा, तो आवाज़ उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं होती। मतलब होती तो है, अच्छी खासी सुनाई देती है, पर वो क्लैरिटी आवाज़ में नहीं आती। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊँचा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ बेहतर तरीके से सुनाई दे सके। थम्बनवाल की तरफ संदीप का गांव है भाई। संदीप वो लड़का है मेरे साथ E9 न्यूज़ में, मेरे साथ ही काम करता है। हालांकि इसने बहुत कम समय लगाया वहां पर, मैं तो पहले भी E9 न्यूज़ में काम करता था, काफ़ी टाइम करता रहा। अभी इसने मेरे ख्याल से 2-1 महीने लगाए होंगे संदीप ने, तो अच्छी दोस्ती बन गई थी, अच्छा लड़का है। अभी इसने मुझे पहले भी कहा था कि कभी हमारे गांव की तरफ कीड़ा लगे तो आना। सो आज मैं जा रहा हूँ इसके गांव में देखने के लिए कैसा माहौल है, देखेंगे क्या बनता है। छुट्टी का दिन था, मैंने कहा चलो आज संदीप के गांव में चलते हैं, देखते हैं बस क्या चक्कर है। संदीप जब मेरे साथ काम करता था E9 न्यूज़ में तो उसकी अभी नई नई शादी हुई थी,
अभी उसके एक बेबी हुई है, अभी एक बेटी हुई है, सो उसकी बेटी को भी देखूंगा आज मैं। संदीप की बेटी को भी आज मैं देखूंगा, संदीप का गांव भी देखूंगा, है ना। देखते हैं। उसने, संदीप ने मुझे बताया था कि 10-15 मिनट लग जाने हैं उसके गांव में। 10-15 मिनट अगर लग जाने, इसका मतलब यार 10 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा उसका गांव, पता नहीं। पोलेवाड़, गन्ना पिंड, पोलेवाड़, आलोवाड़, अच्छा इधर पड़ता है गन्ना पिंड। कोशिश करूंगा तो मुंडी जब कम